15 तारीख को जो यहाँ पर हम कोर्ट में आए थे, एक जवाबदार की जो हमने मेल करवाई, उस जवाबदार को नामिनेट का एफ आई आर में मेरा साला था, उसकी मैंने मेल करवाई। यहाँ से हम वापसी जा रहे थे, बीच रास्ते में इस्लामिक बैंक के यहाँ जो हमें रोक कर पुलिस ने बदतमीजी करी। मैंने उनसे पूछा अगर आपको ये पता चाहिए, हम अभी जमानत करवा के आए, ये लेटर रहा कोर्ट का। उन्होंने लेटर का, कोर्ट का जो लेटर था उसे ठुकरा दिया। और उसके बाद जो मैंने उनसे एफ आई आर मांगी, एफ आई आर ने कोई भी एफ आई आर नहीं दी, ना ही कोई मुझे अरेस्ट वारंट मिला। मैंने उनको बोला भाई आप अरेस्ट वारंट दो, मैं आपको बंदा देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बोला हमारे पास नहीं, वो थाने में खड़े हुए। पुलिस का जो एक्ट हुआ था कुछ दिन पहले रफीक ऑटो के साथ, वो जा रहे थे अपनी बीवी के साथ, उसकी बीवी जो थी वो हामला थी। आपको कानून ये कहता है अगर औरत हामला है और उसको फांसी की सज़ा हो जाती है तो कानून उनको ये इजाज़त देता है कि उसकी फांसी की सज़ा को आप कन्वर्ट कर दें उम्र कैद की सज़ा में। लेकिन बदकिस्मती से जो पुलिस वाले हैं उनका जो अमल है, उनका जो किरदार है, वो आवाम के साथ अच्छा नहीं है। ये अमल उन्होंने दोहराया था। हम सबसे पहले पुलिस के ही पास गए थे जो हमारा प्रॉपर फोरम था, पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं काटी। उसके बाद हमारे पास दूसरा फोरम है ये अदालतें, तो हमें अदालतों से ही उम्मीद है और अदालतें ही आखिरी उम्मीदें हैं हर शख्स की। अब कोई भी इदारा अपने हिसाब से सही काम नहीं कर रहा, चाहे पुलिस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब सिर्फ एक इदारा रह गया है हमारे पास, वो है अदालत का इदारा। और अदालत में हमने आकर पिटीशन फाइल की और कानूनी तरीके से जैसा आपने कानून को मुद्दे नजर रखते हुए फैसला दिया है। हमारे दो वकला थे रफीक अहमद और रबनवाज मरी। मैं कहता हूँ कि ये पूरी टंडोलार की आवाज़ थी, उनकी जो चीख थी, उनका दर्द था, उनकी तकलीफ थी जो हमने अपने वकला की सूरत में जो पेश की थी। ये हुआ कि हमारा वकला था रफीक मुठो साहब, जो एक वकील प्रैक्टिसिंग रेगुलर वकील है, वो एक काज के लिए उन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी, जो आज हमारी जीत हुई। उनके लुटेरों, उन जालिम अफसरों, सिफारशी अफसरों के खिलाफ जो एफआईआर का आर्डर हुआ है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के लिए है, जिन्होंने हमारे लिए वो काम किया है कि जो एक फादर अपने बच्चों के लिए करता, और ये काम ज़रूरी था क्योंकि हमारे इदारे जो हैं वो उनके किबले दुरुस्त करने लाजमी हैं। और ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, मेरे शहर के 95% बच्चों को इन्होंने मैनपुरी गुटों का आदि बना दिया है, और वो